आकाश कुमार, एक बार फिर से मेरे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार हम अपने पूरे टीम के साथ जो है आए हैं यहाँ पे। देखिए पीछे मेरे जो पूरे मित्र हैं ये साथ मेरे आए हैं, ये सब पूरे वीडियो में मेरा साथ देंगे, मैं अकेला नहीं जाता हूँ, मेरी जो है इसलिए अपनी टीम को साथ में लेकर आते हैं गाइस। तो फाइनली हम आज जो है इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो आपने अभी पहले कभी नहीं देखी होगी। ये जो फैक्ट्री आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 19 पहले की है, जब अंग्रेज हुआ करते थे यहाँ पे। जो है पहले के ज़माने में कपड़ा बना करता था और जो है कपास पास रुई वुई बना करता था, तो उस ज़माने की ये फैक्ट्री है। यहाँ पे जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी की कपड़े बने करती थी जो यहाँ से अपने इंडिया में हिंदुस्तान में बनती थी और यहाँ से विदेश जो है और अन्य देशों में अन्य कंट्रियों में जो है ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। तो आइए इस कंपनी के बारे में जो है हम आपको रूबरू करवाएंगे, इस कंपनी को दिखाएंगे कि अब इसकी जो हालत है वो पहले से अब कैसी हो चुकी है। तो आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या है। तो गाइस बने रहिए वीडियो के एंड तक, आगे और भी मज़ा आने वाला है। मैं हूँ आकाश कुमार, तो आइए लेकर चलते हैं आपको इस वीडियो को। आप सामने देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये गोदाम है, आइए हम इसके अंदर लेकर चलते हैं। हमारी टीम जो है अंदर आ चुकी है और फाइनली आप देख सकते हैं गोदाम कितना बड़ा है। यहाँ पे जो है जो माल आता था रुई या धागा जो भी वो यहाँ पे रखा जाता था, यहाँ से आगे जाता था और वो बुनाई के लिए। तो गाइस ये रहा बड़ा हुआ हाल जिसको कहते हैं स्टोर रूम गोदाम। तो गाइस ये देखिए यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है जो आगे यहाँ से सामान को ले जाया जाता था, आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता था आगे बुनाई के लिए, तो वो इसी रास्ते से लेके जाते थे लोग। पाइप है ये फायर के लिए लगा हुआ है। पुराने समय में जो है ये सब सुविधा रहती थी कि आग वग लगने पे जो फायर की सुविधा है ये लगी हुई है। सोचिए 1997 के ज़माने में ये सब चल रहा है, आज के समय में लोग बोलते हैं मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन ये बहुत पहले से चल रहा है फायर वाला सिस्टम। बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल, जो भी जैसा भी आ रहा हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये कपास फैक्ट्री है, यहाँ पे रुई बना करता था, धागा बना करता था, कपड़ा बुनाई होता था। आप देखिए सब राख ही राख है इस कंपनी में, जब अंग्रेज गए तो सारा जो है जला वाला दिए, सब राख ही राख है यहाँ पे। गाइस जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है प्रशासन का जो है बहुत सख्त पहरा है, तो यहाँ पे हमें आने नहीं दिया जा रहा था। किसी तरह से हमने रिक्वेस्ट किया है बड़े साहब से, तो उन्होंने हमें जो है आदेश दे दिया है बनाने के लिए वीडियो। तो गाइस ये जो प्रशासन है वो इसलिए यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पे जो है चोर उचक्के बहुत आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे प्रशासन लगी हुई है, अच्छी बात है। तो प्रशासन को मैं सलूट करना चाहूँगा अच्छे कामों के लिए। कि आप देख पा रहे होंगे मुझे कैमरे में, मैं इस समय यहाँ पे हूँ, ये एकदम गोदाम के अंदर आ चुका हूँ मैं फैक्ट्री के, बहुत ही खंडहर जगह है ये। मेरे पीछे आप मशीन देख पा रहे होंगे, वहाँ पर पड़ा हुआ है मशीन, सारी जो मशीनें हैं ये किसी ना किसी काम में आती थी पहले ज़माने में, फाइनली अब तो इस समय बंद पड़ी हुई है। गाइस डरने की कोई बात नहीं है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, वही बात होगा तो पूरी टीम हमारी साथ में है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टूटा हुआ मशीन पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसा, जो कपड़ा बुनने के काम में आता है ये सब, ये सब देख पा रहे होंगे आप, ये मशीन ही है, ये बुनाई के काम में आती थी पहले ज़माने में। तो फाइनली अब ये सब एकदम खंडहर जैसा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। आइए आपको लेकर चलते हैं इस द्वार के पास। तो गाइस फाइनली हम लोग उस जगह आ चुके हैं जहाँ पे जो है रुई को अच्छी तरह से वहाँ पे उसको जो है गर्म पानी में उसको उबाला जाता था, उसको सुखाया जाता था, उसके बाद रुई को आगे भेजा जाता था ताकि वो अच्छे क्वालिटी में जो है धुनाई होकर उसका रुई बन सके।
कपड़ा वपड़ा काफ़ी अच्छे तरीके से बनता था उस समय में, जब गांधी जी अपना चरखा चलाया करते थे, तब की फैक्ट्री है ये। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं फैक्ट्री अभी तक खड़ी है, इतनी मजबूती से इसको बनाया गया है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आगे हम आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो गाइस बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं हूँ आकाश, की कितना अच्छा नज़ारा है ये आप देख पा रहे होंगे। अगर एक भी पत्रा हम लोग के सर पर टूट कर गिर जाए तो हम लोग यहीं के यहीं पर रह जाएंगे, यहाँ से वापस घर नहीं जा पाएंगे। फिलहाल तो रिस्क लेकर हम लोग आए हैं इस फैक्ट्री में। देख पा रहे हैं ये जो फैक्ट्री है अभी तक जो है जैसे का तैसा पड़ा हुआ है, काफ़ी पुराना होने के बावजूद भी अभी तक ये खड़ी है। तो मित्र आए तो उनसे पूछना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? भाई यहाँ पे आके हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना सुकून जगह है, सो अमेजिंग, यहाँ पहली बार आए हैं हम लोग। तो जो गाइस ये जो जगह है लोग देख कर अचंभा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है उन लोगों को कि मैंने ऐसी जगह पहली कभी नहीं देखी। तो गाइस ये हम लोग यूपी के रहने वाले हैं तो ये सब जगह देखने में थोड़ा अजीब लगता है। तो गाइस रिस्क है तो ही सब कुछ है, तो रिस्क थोड़ा बनता है आप लोगों के लिए। तो गाइस ये सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, तो ज़रूर मेरा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, बने रहिए वीडियो में। गाइस ये जो रहा ये देखिए कंपनी का लास्ट है, यहाँ से माल बनने के बाद जो है निकल जाता था। गाइस जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में कि ये जो है कपड़ा बनता था, रुई बुनाई होती थी, यहाँ पे धागा होगा बनता था। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये रुई पड़ी हुई है, यहाँ पे बहुत पहले जो है यहाँ पे रुई बनता था, अभी तक वो रुई जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बने रहिए गाइस वीडियो में। फैक्ट्री आप देख रहे होंगे बहुत ही भयानक फैक्ट्री है, जैसा कि मैं बताया था वीडियो में यहाँ पे रूम भी बनती है। जो सीढ़ी है पूरा उत्तेजना के साथ जो है सीढ़ी पे चढ़ने वाली है, जो सीढ़ी टूटी हुई है इनके अंदर इतना उत्तेजना जागृत फील हो गया है कि ये देखिए ये रहा बंदा, ये जो है बहुत ही झटपट से चढ़ गया ये बंदा। तो राज कमाल के बंदे हैं मेरे पास, जरूर करिए इन बंदों को, बहुत ही जिगरे वाले जो है बंदे हैं ये सब। मज़ा आ गया यार, ऐसी जगह हमने पहले कभी नहीं देखी थी, बहुत अच्छी जगह है। गाइस ये जो मेरे मित्र हैं ये लोग डर गए हैं, बंदर यहाँ पे भी बहुत हैं लाल वाले। तो गाइस देखिए जो मेरी पूरी टीम है कितना रिस्क ले रही है आप लोगों के लिए। देर में आपको उस जगह पे लेकर चलेंगे जहाँ पे जो है नीचे रुई हुई को जो है धुला जाता था, वाश किया जाता था, और जो काम करता है उसी जगह पे अपना जो है सारा दिन लगाते थे। तो आइए लेकर चलते हैं आप। फाइनली हम लोग इस जो जगह हम आपको ऊपर से दिखाए हैं वहाँ पे जाएंगे और उसको शूट करके दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम लोग फैक्ट्री के बाहर आ चुके हैं, आइए हमारे साथ। तो गाइस ये देखिए मेरी पूरी जो टीम है आपके साथ जुड़ी हुई है, आप देखिए यहाँ पे जो है आए हम लोग। यहाँ पे जो है जो भी अपना काम हुआ करता था लोग यहाँ पे किया करते थे, आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है और कई सालों से ये बंद पड़ी है। ये फैक्ट्री जो कंपनी मैंने बताया ये रुई और कपास या कपड़े उपड़े की थी। गाइस जैसा कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मैं हूँ आकाश कुमार, विदा लेता हूँ। और गाइस जय हिंद।
गार्ड ये